ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्रे ज़िंदगी, फिक्रे ज़िंदगी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 28 जनवरी इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। आप सबका प्रोग्राम में खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई सारे मौजूदात, लेकिन शुरुआत हज़्म मामूल इदारिया से। दोस्तों, मौसम के बदले हुए रंग जहां वक्ती तौर पर हमें कहीं कहीं राहत देते हैं, वहीं ये आने वाले दिनों की सख्ती और परेशानियों का सबब भी बनते हैं। जम्मू कश्मीर में अब की बार मौसम सरमा में न तो बारिशें ही हुई और न ही बर्फबारी, जिसकी वजह से हमें मौसम की शिद्दत का सामना करना पड़ रहा है। जहां कश्मीर में दिन के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वहीं जम्मू में पिछले एक महीने से लगातार सर्दियों और कोहरे की वजह से अजीब मौसमी हालात दरपेश हैं। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बका के लिए ज़राअत, बागबानी और सियाहत निहायत ही अहम शोबे हैं, और इन तीनों शोबों की सस्टेनेंस के लिए बारिशें और बर्फबारी बेहद जरूरी हैं। मौसमियाती महकमे ने अब मौसम में कुछ मुस्बत बदलाव की पेशगोई की है, और हम भी दुआगो हैं कि मौसम में बेहतरी आए और रहमत बारां का नुजूल हो। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की डायरेक्शंस पर जेके बैंक घर घर केसीसी अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, और अभी तक लगभग 2,00,000 नए किसानों को आसान कर्जों की फराहमी के साथ जोड़ दिया गया है। लेकिन इन सब के लिए इस बंजर जमीन में नमी के लिए रहमतों का नुजूल लाजमी है, ताकि हम एक खुशहाल किसान, एक खुशहाल ताजर और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सपना साकार कर सके। सामईन, 75वीं यौमे जमहूरिया की तकरीबात मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मुनक्कद की गई। इस हवाले से जेके बैंक ने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर समेत तमाम जोनल ऑफिस में कौमी परचम लहराया। सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के जोनल ऑफिस में मुनक्कद हुई, जहां बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश ने परचम लहराया और सलामी ली। इस तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, जनरल मैनेजर आशुतोष सरीन और दीगर आला अफसरान के साथ साथ बैंक के स्टाफ की एक भारी तादाद ने शिरकत की। MD और CEO बलदेव प्रकाश ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि ये दिन हमें हमारी उन जिम्मेदारियों की याद दहानी कराता है जो हम पर हमारे मुल्क के तई आयद हैं। हमें आज इस बात का अहद करना चाहिए कि मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए जी जान लगाएं और एक अच्छे नागरिक का हक अदा करें। वहीं श्रीनगर के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में इस दिन को जोश खरोश से मनाया गया, और इस हवाले से मुनक्कदा तकरीब में बैंक के जनरल मैनेजर नारजी गुप्ता ने कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में बैंक के जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स और दीगर आला अफसरान के साथ साथ बैंक के स्टाफ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसी ही तकरीबात का इनेकाद बैंक के तमाम दीगर जोनल ऑफिस में भी किया गया। जेके बैंक जम्मू कश्मीर का एक काबिले फख्र इदारा है, जो आम आदमी का बैंक बन गया है। इस बैंक से हम सबको तवक्कुआत हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में बैंक कृषि और रोजगार के क्षेत्रों में अपना भरपूर रोल निभाए, ताकि विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर में बैंक की भूमिका हमारी उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक हो। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने गुज़श्ता दिनों बैंक द्वारा आयोजित एक महासमारोह में किया, जिसका आयोजन बैंक ने घर घर KCC और स्वरोजगार उत्सव के हवाले से किया था। उन्होंने मुनाफा दर्ज करने, NPA कर्जों की शरह में कमी और शेयर प्राइस की बेहतर हो रही कीमतों के लिए बैंक की प्रशंसा की और संतोष व्यक्त किया कि प्रशासन की आशाओं के अनुरूप बैंक एक अच्छा काम कर रहा है, जिससे यहां के आम लोगों को फायदा मिल रहा है। इस समारोह में लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डल्लू ने गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से भाग लिया, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर शैलेंद्र कुमार, चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड बालामुड्डी श्रीधर के अलावा प्रशासन और बैंक के उच्च कार्यों ने भी भाग लिया। अपने वेलकम एड्रेस में बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश ने जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में जेके बैंक के रोल को दर्शाया और लोगों को आसान कर्जे फराहम करने के साथ साथ हुकूमत की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की अमलावरी में बैंक के रोल के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि घर घर KCSE अभियान के दौरान बैंक ने पूरे जम्मू कश्मीर में सैकड़ों सैचुरेशन कैंप आयोजित किए, जिनके दौरान 1,86,000 किसानों को KCC क्रॉप और लगभग 15,000 किसानों को KCC एनिमल हस्बेंड्री को सपोर्ट देने के लिए
548 करोड़ रुपए की लोन एप्लीकेशन हासिल की जिन्हें प्रोसेस किया जा रहा है और ये मुहिम 100% सैचुरेशन तक जारी रहेगी। समारोह में बैंक ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जागरूकता के क्षेत्रों में माननीय उपराज्यपाल के हाथों 11 करोड़ रुपए की राशि आम जनता की सुविधाओं के लिए विभिन्न विभागों में अर्पण कराई, जिसमें कृषि विभाग के लिए एक किसान दोस्त चैटबॉट, तमाम जिला अस्पतालों के लिए 120 पेशेंट ट्रॉलीज और 120 व्हील चेयर्स, मेडिकल कॉलेज जम्मू को 26 लाख रुपए की 2 एम्बुलेंसेज जबकि सिकिम्स को 34 लाख रुपए की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, स्मार्ट सिटी श्रीनगर और स्मार्ट सिटी जम्मू को ई बस बेस और पैसेंजर शेड्स बनवाने के लिए लगभग 7 करोड़ 19 लाख रुपए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को मुख्तलिफ यतीम खानों और ओल्ड एज होम्स के रख रखाव के लिए 24 लाख रुपए, गंडू बलेसा में लड़कियों के लिए हॉस्टल की तमीर के लिए सेवा भारती को लगभग 70 लाख रुपए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को ई व्हीकल्स के लिए 11 लाख जबकि जम्मू यूनिवर्सिटी को ई व्हीकल्स के लिए 12 लाख रुपए के एहतियात शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डुल्लू ने अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर का मुख्तलिफ सेक्टर्स में तरक्की के सफर के बारे में बताया और बैंकों का आह्वान किया कि कृषि, पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, स्किल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में ज्यादा पैसा लोगों को फराहम करें ताकि खुद रोजगार के जरिए युवा न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करें। उन्होंने कहा कि बैंकों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ भी खास ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर बैंक द्वारा निर्मित 2 कॉरपोरेट फिल्मों की भी नुमाइश की गई, जो घर घर केसीसी अभियान और बैंक की सीएसआर एक्टिविटीज पर आधारित थीं। इस अवसर पर ऑनरेबल एलजी और चीफ सेक्रेटरी ने कुछ फौतशुदा सरकारी मुलाजमीन के वर्षा को बैंक के ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर क्लेम्स की चेक्स भी पेश की और मुख्तलिफ कामयाब एंटरप्रेन्योर्स को भी तौसीफी असनाद अता की। बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने इस समारोह के आखिर में के शुक्राना अदा की और एलजी श्री मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू समेत तमाम अतिथियों का समारोह में भाग लेने पर उनका बैंक की तरफ से शुक्रिया अदा किया। सामईन, माली साल 2023-24 की तीसरी सहमाई जो दिसंबर 31 2023 को इख्तिताम हुई के माली नतीज का ऐलान किया गया है और आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक बैंक की तरक्की और ऊंची उड़ान का सफर जारी और सारी है। तीसरी सहमाई के लिए बैंक ने 421 करोड़ का मुनाफा दर्ज करके साल दर साल 35% का इजाफा दर्ज किया है जबकि सालाना मुनाफा में 9 महीने के आदादोशुमार में 57% इजाफा दर्ज किया गया है। बैंक के शानदार माली नतीज के बारे में इजहार मसरत करते हुए बैंक के एमडीओ सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा कि बैंक की एसेट क्वालिटी तेज रफ्तारी से बेहतर हो रही है और उसका असर हमारे बैलेंस शीट पर मुस्बत अंदाज से पड़ा है। इन माली नतीज का ऐलान गुजश्ता हफ्ते जम्मू में मुनक्कदा बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अहम मीटिंग के दौरान किया गया जिसमें यह भी बताया गया कि रवां माली साल के पहले 9 महीनों में बैंक ने कुलहम तौर पर 1128.60 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है और एक तारीखी मुनाफा की तरफ अग्रसर है। बैंक का ग्रॉस एनपीए अपने सालाना टारगेट यानी 4.5% के की जानिब बढ़ रहा है। बैंक के एडवांसेस 19% बढ़कर 89,752 करोड़ जबकि डिपॉजिटर्स 9% बढ़कर 1,28,542 करोड़ हो गए हैं। एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा कि बैंक की नेटवर्थ पहली बार 10,000 करोड़ रुपए से तजावज कर गई है जो आज की तारीख में 11,000 करोड़ रुपए से भी जायद है। उन्होंने मजीद कहा कि हम पुर उम्मीद हैं कि माली साल 2023-24 के लिए वजा किए गए माली आदादोशुमार और बिजनेस टारगेट्स को बैंक अपनी पूरी ताकत और शिद्दत से पूरा करने में लगा हुआ है और कस्टमर्स समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को माली साल के आखिर में हम एक बेहतरीन तोहफा देने में लगे हुए हैं। 1938 से जे एंड के बैंक लिख रहा है कामयाबियों की दास्तान। इंस्पिरेशनल स्टोरीज पर मबनी सीरीज मेरी कहानी मेरी जुबानी में सुनिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप साहिब बंदगी की कहानी। मेरा नाम सुमन है और मैं साहिब बंदगी ग्रुप की फर्स्ट लीडर हूँ। जब से मैं ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ तो तब से मैंने बहुत सा काम अपने समझो दुकान का काम भी खोला हुआ है और बुटीक भी चला रही हूँ। अपना छोटा मोटा कारोबार रेडी किया है मैंने। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम तृप्ता कुमारी, मैं गाँव त्रेवा से हूँ और मेरे ग्रुप का नाम साहिब बंदगी है और मेरे बीओ का नाम त्रेवा महिला बीओ बन है। हमारे ग्रुप में 1 लाख से 10 लाख तक जो है मतलब की लोन चल रहा है जिससे हम अपने रोजगार कर रहे हैं। अलग अलग कोई एग्रीकल्चर का कर रहे हैं मतलब कि सब्जियों का, फसल का, जैसे कि माल मवेशियों का, मतलब कि बहुत सारे रोजगार कर रहे हैं हम। तो पहले तो हमें कोई जानकारी नहीं थी, बैंक में जाते थे तो हम कांपते थे। एक दो बार मैं गई थी पहले भी तो हम कांपते थे। हमें जानकारी नहीं थी कि बैंक में जाएंगे कैसे जाएंगे, पता नहीं उनका बिहेव कैसा होगा, क्या मतलब कि हमें समझेंगे या हमें समझा पाएंगे या नहीं। तो फिर जैसे कि हम मतलब जैसे शुरू में आस्ता आस्ता जाने लगे तो बाद में हमें मतलब कि बैंक ने अच्छी सपोर्ट की। हो गए हैं 8 से 9 साल, मतलब कि 2014 से चल रहे हैं हम
तो तब से लेके आज तक बैंक हमें अच्छी सपोर्ट दे रहा है। दोस्तों, जमहूरी निज़ाम को तकवीत बख्शने के अमल में वोटिंग की अहमियत को उजागर करने की कौमी कोशिश के एक हिस्से के तौर पे जेके बैंक ने 25 जनवरी को मुल्क भर में अपनी तमाम जोन्स में 14वां नेशनल वोटर्स डे मनाया। बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने मरकजी तकरीब की सदारत की, जो बैंक के जोनल ऑफिस जम्मू में मुनक्कद हुई, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, जनरल मैनेजर आशुतोष सरीन, जोनल हेड जम्मू राजेश दुबे और बैंक के दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा कि नेशनल वोटर्स डे मनाने का मकसद हमारे देश की तकदीर को बदलने में हमारी मुश्तरका जिम्मेदारियों को पहचानना है। इस दिन की रूह को नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर की थीम ने बखूबी कैप्चर किया है। उन्होंने मजीद कहा कि वोट डालने का अमल हमारे रोशन मुस्तकबिल की तामीर के लिए बहुत जरूरी है और जेके बैंक इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की हिमायत में पहम खड़ा है। उन्होंने इस मौके पर शुरका से अहद करवाया, जिन्होंने मिलकर अपने मुल्क में आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन चुनाव की जमहूरी रिवायत को बरकरार रखने और हर इलेक्शन में बिलाखौफ वोट डालने के वादे को दोहराया। बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि वोटिंग का अमल मुल्क के हर नागरिक को तब्दीली लाने का हक देता है और हमें इसको बगैर किसी खौफ के इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी ही एक तकरीब बैंक के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में भी मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत बैंक के जनरल मैनेजर नारजे गुप्ता ने की। इस तकरीब में बैंक के जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स और दीगर आला अफसरान ने भी शिरकत की। सामईन, जेके बैंक ने पिछले हफ्ते मुल्क की एक बहुत बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ इन्वेंट्री फंडिंग के हवाले से तारीखी समझौता किया, जिसके साथ ही मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस पोर्टल पर प्री अप्रूव्ड कार लोन फैसिलिटी को भी शुरू किया गया। इस हवाले से एक तकरीब बैंक के जम्मू जोनल ऑफिस में मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत बैंक के एमडीओ सीईओ बलदेव प्रकाश और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव ने की। इस तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने बैंक के जनरल मैनेजर्स, डिविजनल हेड्स, जोनल हेड्स, क्लस्टर हेड्स के अलावा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के आला अफसरान के साथ शिरकत की। इस एमओयू पर जेके बैंक की जानिब से जनरल मैनेजर आशुतोष सरीन, जबकि मारुति की तरफ से हेड मार्केटिंग फाइनेंस रोहित कोहली ने दस्तखत किए। बैंक के एमडीओ सीईओ की सरपरस्ती में मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस पोर्टल पर जेके बैंक प्री अप्रूव्ड कार फाइनेंस सहूलत भी शुरू की गई। अपने विचार व्यक्त करते हुए बैंक के एमडीओ सीईओ बलदेव प्रकाश ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सबसे बड़े बैंक और मुल्क की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी के बीच इस मुआहदे की तारीखी अहमियत है, जिसकी रूह से जेके बैंक मारुति के 4000 डीलरशिप्स को इन्वेंट्री फाइनेंस करेगा, जिससे जेके बैंक और मारुति के साथ साथ कस्टमर्स को भी काफी सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि बैंक ने अपने डिजिटल नेटवर्क को काफी बेहतर बनाया है और मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस पोर्टल पर बैंक की जानिब से प्री अप्रूव्ड कार फाइनेंस की सहूलत इस जमीन में एक और कदम है। एमएसआईएल के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि जेके बैंक के साथ हमारा मुआहदा निहायत ही अहम है और न सिर्फ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ये समझौता जेके बैंक और मारुति के लिए फायदेमंद होगा। वाजे रहे कि एमएसआईएल के लिए जेके बैंक 7वां ऐसा बैंक है जिसके साथ मारुति ने इस साल मफाहमत के समझौते पर दस्तखत किए। बैंक के जनरल मैनेजर रिटेल नारजे गुप्ता ने इस फंक्शन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करके बैंक की उन तैयारियों का खाका पेश किया जो बैंक ने इस एमओयू के हवाले से कर रखी है। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे केसीसी का फुल फॉर्म पूछा था। केसीसी का फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे जवाब ईमेल के जरिए मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे तीन विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से कुलगाम की शिफा जान, जम्मू डिवीजन से उधमपुर के शुभम वासुदेव और लद्दाख से लेह के रिगजिन लहमो। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट कीजिए आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि जेएंडके बैंक ने माली साल 2023-24 की तीसरी समाही में कितना खालिस मुनाफा दर्ज किया। आपके ऑप्शंस हैं 221 करोड़ रुपए, 321 करोड़ रुपए या 421 करोड़ रुपए।
आपके जवाबात हमें 3 फरवरी 2024 शनिचरवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल आईडी है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।